गोमूत्र पर श्री पथमेड़ा गोदा महातीर्थ पिछले 15 सालों से शोध और अनुसंधान कर रहा है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज देश में 100 से ज़्यादा अनुसंधान और शोध विभिन्न संस्थाएं गौमूत्र के ऊपर कर रही हैं। गौमूत्र को जैसा हमने पहले कहा कि अब तो अमेरिका जैसे शीर्ष देश भी मान गए हैं कि गौमूत्र जो है महाऔषधि है, और भारतीय परंपरा तो सदैव से मानती हैं। गौमूत्र की विभिन्न दवाइयाँ, हाथ कंगन तो आरसी क्या, गौमूत्र की विभिन्न दवाइयाँ एड्स, कैंसर, डायबिटीज जैसी असाध्य बीमारियों में अत्यंत कारगर सिद्ध हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि गोधाम पथमेड़ा से सैकड़ों ऐसे बीमार लोग आए जो प्रथम श्रेणी के कैंसर इत्यादि बीमारियों में आए, वो तो पूर्ण ठीक हुए, लेकिन द्वितीय और तृतीय श्रेणी में यानी अंतिम दौर में आए हुए लोगों ने भी काफ़ी समय तक लंबा जीवन जिया। और एड्स जैसे असाध्य बीमारियों से युक्त दंपति और लोग जो हैं पूर्ण स्वस्थ हो गए और आज भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब गौमूत्र की महत्ता अपरंपार है और यह सिद्ध है अपने आप के अंदर। गौमूत्र से जो विभिन्न दवाइयाँ बनती है, उन दवाइयों के बारे में समझना होगा कि नितांत सस्ती दवाइयाँ हैं और सहज उपलब्ध भी है और एकदम सरल परहेज के साथ ली जा सकती है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि गौमूत्र में सबसे बड़ा वो एंटीबायोटिक और सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक, दोनों गुण गौमूत्र के अंदर हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गौमूत्र कैंसर योग एक गौमूत्र द्वारा बनाया जा रहा है, आपको एक निश्चित कैंसर में निश्चित प्रकार के रंग शैली या नस्ल की गाय का गौमूत्र अर्क से कैंसर में उपयोग आने वाली अन्य घटक दवाइयां मिलाकर दवाई दी जाती है, और दो दो ढक्कन दवाई दो टाइम लेनी है, उस मात्र से आपका कुछ समय पर कैंसर पर विजय हो जाएगी या फिर रोकथाम शुरू हो जाएगी, आपका कैंसर आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। अब इससे सरल क्या हो सकता है, डायबिटीज आपकी एक मधुहंत वटी नाम की जो दवा है, उस दवा की गोलियां तीन टाइम या दो टाइम निश्चित प्रक्रिया से जल के साथ लेनी है, और उससे आप 3 या 4 महीने में डायबिटीज से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। इससे सरल इलाज क्या हो सकता है, गोमूत्र अर्क। गोमूत्र अर्क अगर प्रातः खाली पेट निरंतर लिया जावे तो गोमूत्र अर्क बीमारियों को आने ही नहीं देगा, यूं कहिए कि बीमारियों को आपके दरवाजे, जीवन के दरवाजे पर ही रोक देगा। इससे सरल दवाई क्या हो सकती है, तो हमारे घर में, हमारी समाज की व्यवस्था में जब तक गाय घर घर पालित थी, गाय घर में होती थी, बच्चे सहित सब बड़े बूढ़े सब गाय के संपर्क में आते थे, गाय का गोबर गोमूत्र और गाय का गव्य प्रयोग के लिए मिलता, दूध दही घृत प्रयोग के लिए मिलता, और गोबर और गोमूत्र से ईंधन के रूप में काम में लेते और खेती में काम में लेते, उसी से उत्पाद पैदा होते, तब तक तो स्वतः ही गाय के पंचगव्य मानव जीवन में आ जाते और व्यक्ति को इन दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती और स्वतः ही बीमारियों में विराम लग जाता। परंतु आज जब किसी भी कारण से जो जो समाज के अंग और विभाग और वर्ग गोपालन से वंचित रह रहे हैं, उनके सामने एक अद्भुत और अनुपम मौका है कि वो गो प्रेरित, गो आधारित अनुसंधान और शोधों से बनी हुई दवाइयाँ जो हैं उनका ही उपयोग करें, उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें जो नितांत है, सरल है, सहज है और सस्ती है, और साथ में वो गो सेवा और गोरक्षा और गोपालन के अंदर बढ़ावा देने में आपकी भूमिका तय करती है। तो हमें अधिकाधिक गौमूत्र से बनी हुई दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। गौमूत्र की दवाइयां जो हैं किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं लाती, कोई दवाई आयुर्वेद की दवाइयों को छोड़ दी जावे, बाकी कोई भी ऐसी एलोपैथी में दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट साथ में नहीं लिखा हुआ हो। और गौमूत्र से बनी हुई जो औषधियां हैं जो रोग से निदान तो प्रदान करती करती है, उनका साइड इफेक्ट 0000 है। ऐसे में भी अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से धर्म, अध्यात्म, व्यवहार जगत और स्वयं का भी हम नुकसान कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो इस महत्ता को समझे और गौमूत्र की दवाओं को और गौमूत्र से जो गौमूत्र थेरेपी जो है उसका प्रयोग करें, भिन्न भिन्न माध्यमों से करें, और गोपालन को, गो संवर्धन को बढ़ावे की दिशा में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें।